हमारा नेक्स्ट लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है अलजेब्रा का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है 2.1। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया हुआ है कि फाइंड आउट वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब ये पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2=0, तो इसे पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y-10, तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसके बाद में थर्ड है हमारे पास में वाई स्क्वायर प्लस 1/2=2, तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो गाइस सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2=0, तो ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। जिसके भी ऊपर स्क्वायर रहा, यानी जिसका कुआ 2 रहा, तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा। तो इसी तरह से ये भी क्वाड्रेटिक रहेंगी, ये भी क्वाड्रेटिक रहेंगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेंगी। इसका रीज़न क्या है, वाई को वाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा और प्लस 1 आएगा इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जिसके ऊपर स्क्वायर रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा, मतलब उस पर क्यूब रहे या फिर उससे ऊपर रहा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जिसके ऊपर स्क्वायर रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1, और ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक है और थर्ड नहीं है। अब गाइस हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपको मतलब जो है तो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ax² प्लस bx प्लस c=0 के। तो गाइस हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c=0 के फॉर्म में इसे लिखना है। तो मतलब जो सबसे पहले पार्ट स्क्वायर वाला रहेगा वो लिख देंगे हम। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला पार्ट क्या है, -y², तो मैंने लिख दिया -y². उसके बाद में प्लस bx, तो bx मतलब हमें जैसे कि 2y दिख रहा है, तो प्लस 2y, यानी प्लस में है तो इधर का आ जाएगा माइनस में 2y। इसके बाद में क्या है, प्लस c, c का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारे पास 10, तो प्लस लिखेंगे हम 10 इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है। ax स्क्वायर मतलब जिस पर स्क्वायर है, जैसे कि ये स्क्वायर है। उसके बाद में bx मतलब एक कोई नंबर और उसके साथ में मतलब जो है तो कांस्टेंट वैल्यू, और c मतलब कांस्टेंट, तो प्लस 10 इक्वल टू 0। अब गाइज हमारे पास में ये जो है